बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियां अता फरमाए। जो स्टूडेंट्स भी एमएससी फ्रेश स्टूडेंट जो एमएससी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूं एडमिशन के हवाले से। कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं इसमें एडमिशन करवा सकते हैं, इसकी क्या पॉलिसी है, क्या तरीक़ेकार है, मुकम्मल आप लोगों को गाइडलाइन दे रहे जा रहा हूं कि किस तरह से आप लोगों ने एडमिशन करवाना है और कौन से स्टूडेंट से सिर्फ एक पार्ट का एडमिशन भिजवा सकते हैं और कौन से स्टूडेंट दोनों पार्ट का एक साथ एडमिशन भिजवा सकते हैं। तो तमाम गाइडलाइन जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि सरगोधा यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को एमएससी के एडमिशन जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, एडमिशन ओपन होंगे। एचईसी ने सरगोधा यूनिवर्सिटी को एमएससी के एडमिशन ओपन करने की इजाज़त दी थी। तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 सितंबर जुमे वाले दिन है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 सितंबर के बाद आप लोगों के एडमिशन जो हैं वो एमएससी के ओपन कर दिए जाएंगे। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे, ये जो कमिंग मंडे ट्यूसडे है, इसी में ही आप लोगों के एडमिशन जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। सरगोधा यूनिवर्सिटी ओपन कर देगी, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, किसी भी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप लोग एमएससी में एडमिशन भिजवा सकते हैं। जिस स्टूडेंट को ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल हो चुके हैं, यानी 2 साल हो चुके हैं आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट्स के एक साथ एडमिशन भिजवा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ एक ही साल अभी हुआ है तो आप लोग दोनों पार्ट्स के एडमिशन नहीं भिजवा सकेंगे, आप जस्ट पार्ट 1 का एडमिशन जो है वो भिजवा सकेंगे, पार्ट 2 का उसके बाद जो है वो आप लोग एडमिशन भिजवाएंगे। तो ये एडमिशन आप लोगों को अपडेट देने का मकसद ये है कि एडमिशन जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन होने लगे हैं। मंडे ट्यूसडे से आप लोगों के एडमिशन जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं वो भी मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे दूंगा कि किस तरह से करना है, क्या करना है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा मसला ये आएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई सरगोधा यूनिवर्सिटी की, तो उनको जो है वो थोड़े से ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी हो जाएगी साथ ही। तो इस बार जो एडमिशन ओपन हो रहे हैं इसमें जो जो स्टूडेंट्स करवाना चाहते थे, फ्रेश स्टूडेंट जो हैं वो लाजमी इसमें अपेयर हो जाएँ, क्योंकि बाद में आप लोगों को हो सकता है कि मौका ना मिले, किसी भी यूनिवर्सिटी से मौका नहीं मिलेगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते हुए वीडियो को लाइक शुरू कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।